हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्सन 15160 में नोजल क्लियर किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए, एप्सन एप्सन का प्रिंटर है L15160। इसमें सबसे पहले हम नोजल चेक की एक प्रिंट निकालेंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, इसके अंदर प्रिंट हेड नोजल चेक करेंगे और स्टार्ट। इसमें यहाँ पे दो इसी तरह के बार आएंगे, ब्लैक के और यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो और ये दो ब्लैक यहाँ से गायब है, यहाँ पे येलो आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब किस तरीके से ये निकालना है हम चेक करेंगे आगे। सबसे पहले हम ये कवर खोलेंगे, प्रिंटर बंद कर देंगे, प्रिंटर बंद करने के बाद ये कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद हम प्रिंटर ऑन करेंगे, जैसे ही हेड यहाँ पर आएगा हम प्रिंटर का मेंस ऑफ कर देंगे ताकि प्रिंटर इधर से हेड बाहर आ जाए अपने स्टेशन से। ये देखिए, मैंने पावर कॉर्ड निकाल लिया हूँ, अब हेड मूवेबल है इस तरीके से। इसके बाद हम वेस्ट इंक निकालेंगे। इसमें क्या होता है, ये भर जाता है, ये भरने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो हम इसकी पूरी कपास निकाल के फेंक देंगे। अगर आप ये ऐसा पूरा बॉक्स नया लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चिप बदलते हैं सिर्फ, ये देखिए इधर की खाली चिप बदल के चलाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें के पूरे कॉटन निकाल लेना है ताकि इंक जमा होने से जब आप हेड क्लीन करते हैं तो यहाँ से इंक आके इसमें फंसती है, पूरी जाती नहीं है इंक, तो यहाँ पे इंक आपके स्टेशन पे रह जाती है। अगर आप ये पूरा बॉक्स ही चेंज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सिर्फ चिप चेंज करते हैं आफ्टर मार्केट के खरीद के, तो फिर आपको इसमें की पूरी कपास निकाल लेनी चाहिए। इसको कैसे निकालना है, इसके ऊपर ये कवर है, इस पर क्लिप्स है, ये क्लिप में छोटा स्क्रू ड्राइवर लेके ये देखिए, जब भी इंक जमा होंगी आप इसे इस तरीके से फेंक देने का बस। इसके बाद हम ये लगाए बाद प्रिंटर चालू करेंगे, उसके बाद हम प्रिंटर पूरा ऑन होने देंगे। मशीन चालू होने के बाद हेड को उसके होम पोजीशन पे आने देंगे। यहाँ पर आने के बाद इसका वेस्ट टोनर निकालेंगे,
और इस तरीके से एक इंजेक्शन बनाना है आपको सिरिंज लगा के। सलाइन का जो सिरिंज आता है और ये पाइप लगा के आपको ये वेस्ट जहां से निकलता है इस पे लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे वेस्टेज का पाइप है उस पे लगाना है और आपको इंक खींचना है रिवर्स इस तरीके से। ये देखिए इंक आ रही है इसमें एयर बबल्स के साथ। थोड़ी इंक आने के बाद थोड़ी देर ऐसा पकड़ना है आपको, यहां तक के इंक आ गई है, एक दो चार ml। अब उसके बाद आपको पाइप निकाल लेना है। वेस्ट इंक लगा देना है। कवर भी लगा देना है। आप पूछेंगे मेंटेनेंस बॉक्स, ओके कर देना है। चेक करेंगे मेंटेनेंस बॉक्स को। अब इसके बाद आपको प्रिंट नहीं निकालना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, मेंटेनेंस में जाना है और यहाँ पे आपको हेड क्लीन करना है। ये प्रिंट हेड क्लीनिंग, क्लीन द प्रिंट हेड टच स्टार्ट, आपको स्टार्ट कर देना है। दिस टेक्स 2 मिनट्स, थोड़ी देर वेट कर लेंगे। प्रिंट हेड हमारा क्लीनिंग कंप्लीट हो गया है। अब प्रिंट हेड क्लीनिंग कंप्लीट, प्रिंट और नोजल चेक, हमें एक बार नोजल चेक कर लेना है। स्टार्ट, ये देखिए दोस्तों हमारे सारे कलर आ गए हैं, मैजेंटा नहीं आया है, ब्लैक भी पूरा आ गया है, येलो भी आ गया है। अब हम सिर्फ एक बार और हेड क्लीन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कट करेंगे, यानी हमारे हेड क्लीन पूरा बराबर नहीं हुआ है, इसे एक बार कट करेंगे और फिर से स्टार्ट का बटन दबाएंगे, एक बार और हेड क्लीन करेंगे। अभी ये बता रहा है मेंटेनेंस बॉक्स की जो चिप है वो खत्म होने आ रही है, तो हम इसे ओके कर देंगे, बाद में बदलेंगे। अब फिर से मेंटेनेंस बॉक्स इज एंड द सर्विस लाइफ, यू नीड टू रिप्लेस, अब रिप्लेस करना पड़ेगा। हम इसकी चिप रिप्लेस कर लेंगे, वो भी देख लेंगे किस तरीके से करते हैं। हमें पहले ये मेंटेनेंस बॉक्स का कवर खोल के इसे साइड में खींचना है। ये देखिए इसमें इंक जमा हो जाती है, ऐसा आधी इंक जमा हो गई। आपको और महीने में एक बार चेक करके इसे इंक पूरा कवर निकाल के फेंक के आप धो भी सकते हैं इसको, कपास की जरूरत नहीं है, इसमें इंक थोड़ी सी जमा है। ये चिप निकालेंगे, ये देखिए चिप बैठ गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें लगा देना है, अब हमारा नेक्स्ट ओके करना है। चेक कर रहा है चिप ओके है या नहीं। अब हम सेकंड टाइम हेड क्लीन कर रहे हैं वही रूटीन से जो पहले की थी, खाली हमारे को चिप एरर का आया था, वेस्टिंग के चिप का एरर, तो हमने चिप चेंज कर दिया और कंटिन्यूअस में हम सेकंड टाइम हेड क्लीन कर रहे हैं।
ये हमारी फर्स्ट प्रिंट थी, ये सेकंड है। इसमें येलो बराबर नहीं आ रहा था और ब्लैक नहीं आ रहा था, इसमें येलो इस साइड का बराबर आ गया है, इस साइड का थोड़ा आया है और मैजेंटा गायब हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो प्रिंट हेड कर रहा है उसमें चेक करेंगे किस तरीके से आता है। अब ये नेक्स्ट टाइम जो पहले फर्स्ट हेड क्लीन में 2 मिनट लिया था, अब 3 मिनट बता रहा है। ये देखिए 3 मिनट्स बता रहा है। नोजल क्लीन हो गया है हमारा सेकंड टाइम में। अब नोजल चेक का हम प्रिंट देंगे, यस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइम में और हमारे ये ब्लैक आ गया, बाकी के नहीं आए। तो हम फिर से एक बार और इंजेक्शन से वेस्ट इंक के पास से हम कलर खींचेंगे। इसे ओके कर देंगे राउंड वाले को, इसे होम पर ला लेंगे। प्रिंटर बंद कर देंगे। वेस्ट इंक का निकाल के हम फिर से एक बार कलर खींचेंगे यहां से। अब इसके बाद हम वेस्ट टैंक लगा देंगे। पावर केबल लगाएंगे इसका। प्रिंटर चालू हो गया है, हम फिर से एक नोजल चेक निकालेंगे मेंटेनेंस में। प्रिंट हेड नोजल चेक स्टार्ट। अभी हमने इंजेक्शन से इंक खींची थी बोल के ये पूरे कलर मिक्स हो गए। एक बार हेड क्लीन करेंगे। दो मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे हम। दोस्तों इसमें मैंने इंजेक्शन से 3 बार निकाला हूं, पहले 2 टाइम, बाद में आपको वीडियो शूट नहीं किया मैंने, 3 बार निकाला हूं। उसके बाद फिर एक बार नोजल चेक, फिर से हम नोजल चेक करेंगे। ये पन्नी की वजह से नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारी प्रिंट आ गई है। ये हमारा 7वीं बार अटेम्प्ट है, 7वीं बार है। ये देखिए जब शुरू में इस तरीके से थी प्रिंट,
उसके बाद ये प्रिंट आई, ये सेकंड नंबर है, नहीं हाँ इसे, उसके बाद ये तीसरी प्रिंट है। यहाँ पे हमने टू टाइम इंजेक्शन से इंक खींची थी। उसके बाद टू टाइम जब इंजेक्शन से इंक खींची थी तो इस तरीके से प्रिंट आई थी। उसके बाद ये पांचवी प्रिंट है, छठी प्रिंट है, इसके बाद भी नहीं आई तो मैंने थर्ड टाइम मैंने इंजेक्शन से इंक खींची वेस्ट के पास से, और छठी बार खींचने के बाद फिर मैंने एक बार हेड क्लीन किया हूं कि देखिए हमारा पूरा हेड आ चुका है, क्लियर हो गया है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेड निकालना, प्रिंटर बंद कर देना है। प्रिंटर बंद करने के बाद आपको ये निकालना है वेस्टिंग का पैड, ये वेस्टिंग बॉक्स निकालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंजेक्शन लगा के अंदर नोजल से आपको हेड को प्रेस करना है। यहाँ पे हेड बताइए, यहाँ पे हेड को क्या करना है, आपको हेड ऐसा प्रेस करना चाहिए, एक बंदे ने प्रेस करना है और एक बंदे ने इधर से इंक खींचना है। इंक खींचना है आपको बड़े इंजेक्शन से, एक 10 से 15 ml इंक खींचना है आपको। फिर उसके बाद ये लगा देना है, उसके बाद आपको प्रिंटर चालू करना है। प्रिंटर चालू करने के बाद आपको प्रिंट नहीं देना है, आपको क्या करना है, हेड नोजल चेक करना है, हेड क्लीन करना है एक बार, फिर उसके बाद सेकंड टाइम हेड क्लीन करना है नोजल चेक करे बाद, फिर आपका कलर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो यही प्रोसेस आप 2 से 3 बार करेंगे, मेरा तीसरी बार में ओके हो गया है। 2 से 3 बार में आपका ओके हो जाएगा, किसी किसी का फर्स्ट टाइम में हो जाता है, सेकंड टाइम में, ये मेरा थर्ड टाइम में हुआ है इस प्रिंटर का। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है बाबा फिक्स, ऐसे ही चैनल्स के लिए, ऐसे ही काम के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ कॉमेंट्स हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। थैंक यू।